हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन मैथमेटिक्स वन कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी यूनिट है डिप्लोमा इंजीनियरिंग एचएसबीटी के स्टूडेंट्स के लिए। उनका जो फर्स्ट एग्ज़ाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का फर्स्ट एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का है तो उसका सेकेंड क्वेश्चन है अपना कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है कंजुगेट का, जैसे जेड आपको ये दे रखा है 3 + 4i, तो इसका कंजुगेट, तो हमने इस तरीके से कंजुगेट का साइन दिया है। तो कंजुगेट क्या हो गया, जो आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच का जो साइन है वो आपका चेंज हो गया, प्लस था तो क्या आ गया आपका माइनस आ गया। आपने बस इतना सही काम करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है आपका दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू 4 - 5i, तो जेड का कंजुगेट क्या हो गया 4 + 5i। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू 1/3 + 5i, तो 1/3 + 5i, तो इसको हमने कंजुगेट करने से पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे कि भाई ये आपका इजीली इसमें से हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर पाए, इसलिए थोड़ा सा इसको हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए हमने 3 - 5i और 3 - 5i से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। क्यों 3 - 5i से क्यों किया, देखिए बेटा आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 + 5i, ये है ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी कर दूं तो फार्मूला हो जाएगा ना a + b a - b का, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, जिससे क्या है i का स्केयर आपके पास आ जाएगा। तो i का स्केयर आने से क्या होगा, i का स्केयर माइनस है, तो नीचे से आपका जो इमेजिनरी नंबर वाली यूनिट है वो खत्म हो जाएगी, जिससे हम इजिली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर सकते हैं और उससे फिर हम इसका कंजुगेट आपका निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया कि जैसे 1/3 + 5i है तो हमें नीचे चाहिए था, तो हमने क्या किया 3 - 5i से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 - 5i से डिवाइड कर दिया। तो आपका जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 1 × 3 - 5i, तो ये क्या आ गया 3 - 5i, और नीचे फार्मूला लगा दिया हमने a प्लस बी और a माइनस बी का, a का स्केयर माइनस बी के स्केयर का फार्मूला आपका लगा दिया। तो इसमें क्या है, 3 का स्केयर क्या हो गया बेटा आपका 9 आपका हो गया, और 5 का स्केयर क्या हो गया आपका 25i का स्केयर। तो i का स्केयर क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो 9 + 25 क्या हो गया आपका 34। तो 3/34 और माइनस का साइन है, उसके बाद इमेजिनरी नंबर के साथ क्या है 5/34, और इसका कंजुगेट जब हमने निकाला तो क्या हुआ, जहां साइन माइनस का था रियल और इमेजिनरी नंबर के बीच में, इधर क्या है प्लस का साइन आ गया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटे, इसका थर्ड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का और लास्ट पार्ट है ये। जेड इज इक्वल टू 3 - i का स्केयर आपका ऊपर दे रखा है 2 + i, तो a माइनस बी के स्केयर के फार्मूले से हमने इसको ओपन किया है। a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला आपको पता होगा, a² + b² - 2ab, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तो इस फार्मूले से इसको ओपन कर लिया है बेटे, और नीचे 2 + i है। 3 का स्केयर आपका 9 हो गया, यहाँ i का स्केयर हो गया, यहाँ 6i हो गया। i का स्केयर क्या होता है बेटा -1, i का स्केयर क्या होता है बेटा -1, तो i का स्केयर बेटा -1 होता है, तो 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, तो ये यहाँ पे क्या आ गया बेटा 8 - 6i / 2 + i, तो 2 - i का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - i का डिवाइड कर दिया ताकि हम a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बेटा पुट कर पाए नीचे। तो वही हो गया, ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 8 - 6i को 2 - i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 6 = 12i, और फिर 8i+ का, तो आप सॉरी -i से 8 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8i, और -i से माइनस का 6i होगा तो -(-+6i)² और i का स्केयर जब हटेगा तो क्या आ जाएगा -1, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 16, 12 और 8 20i, और ये हो गया -6, तो यहाँ क्या आ गया बेटा 10 - 20i / 5,
तो इसको 10 के नीचे भी कर दिया 5 को, और इधर 20 के नीचे भी, तो 5 दूनी 10, 2 माइनस आई 4। जब इसको हम कंजुगेट इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जहां माइनस है वहां क्या आ जाएगा बेटा आपका प्लस, तो 2 प्लस 4 आई। तो ये बेटा कंजुगेट वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।